नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करूंगा 2019 से 2020 के लिए जो साइंस का न्यू सिलेबस है जिसे सीबीएसई ने आज ही जारी किया है उसके बारे में। ये बिल्कुल नया सिलेबस है जो आपके स्क्रीन पर है। तो सबसे पहले मैं आपको चाहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। देखिए, मैं इस चैनल के माध्यम से सभी बच्चों को जो 9 से 12 के बीच में है, सभी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो देने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साइंस के सिलेबस में कौन कौन से बदलाव किए गए 2019 से, क्योंकि न्यूज़ में आपने काफ़ी सुना होगा कि इस बार सिलेबस में काफ़ी चेंजेस हुए हैं। तो वो कौन कौन से चेंजेस हुए हैं, इसके अलावा मैं आपको मार्किंग स्कीम के बारे में बात करूंगा जो 2019 से लागू होगा। तो साइंस के सिलेबस की बात करें जो सीबीएसई ने जारी किया है उसके बारे में बात करें, तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं हम इसके मार्किंग स्कीम से। मार्किंग स्कीम देखें अगर ध्यान से, तो हम देखते हैं कि सबसे पहले जो मैटर है, जो आपका केमिस्ट्री पैटर्न है, वो 23 मार्क्स का है। जो आपका हम कह सकते हैं कि बायो पार्ट है वो आपका 20 मार्क्स का है। जो फिजिक्स पार्ट है वो आपका 27 मार्क्स का है। आर एनवायरनमेंट है ये 6 मार्क्स का है। और फूड प्रोडक्शन आपका 4 मार्क्स का है। टोटल आपका 80 मार्क्स का एग्जाम होगा जिसमें इंटरनल मार्क्स जो है वो 20 होगा। ये लगभग पैटर्न वही है जो पिछले साल था, बस चेंजेस किया गया है वो आपको आगे समझ में आएगा। फर्स्ट चैप्टर की बात करें जो केमिस्ट्री के अंदर पार्ट है, तो आप देखोगे फर्स्ट चैप्टर वही है जो पिछले साल था, मैटर वाला, दूसरा मिक्सचर वाला, तीसरा पार्ट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाला, फोर्थ चैप्टर आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो केमिस्ट्री लगभग सेम है, इसमें ज्यादा बदलाव नहीं किए गए हैं। हाँ, एक दो टॉपिकों को हटा दिया गया है सिलेबस के बीच में से। उसके अलावा हम बात करें बायो की, तो बायो में देखिए फिफ्थ चैप्टर आपका सेल है जो पहले भी था, सिक्स चैप्टर आपका टिश्यू है, सेवन चैप्टर आपका बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, और 13 चैप्टर हेल्थ एंड डिजीजेस के बारे में था, पहले भी था, वो इस साल भी है। बस जब आप नई बुक लोगे तो उसमें एक दो चीजें आपको दिखाई देंगे, एक दो टॉपिक हटा दिए गए हैं। फिजिक्स की बात करें तो आप फिजिक्स में देखोगे कि 8 चैप्टर आपका मोशन मिलेगा, 9 चैप्टर आपको फोर्स और न्यूटन्स लॉ मिलेगा, 10 चैप्टर आपका ग्रेविटेशन है, इसके अलावा फ्लोटेशन, ये 10 चैप्टर में ही है। 11 चैप्टर बात करें तो वर्क एनर्जी एंड पावर 11 चैप्टर में, और ये 12 चैप्टर आपका साउंड। तो ये फिजिक्स भी लगभग सेम है, इसमें ज़्यादा बदलाव नहीं किया गया है। हाँ, एक दो टॉपिक को हटा दिए गए हैं, वो आप बुक लोगे आप बुक में आपको दिखाई देगा। ये जो मैं आपको सिलेबस दिखा रहा हूँ ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया होगा, आप चाहो तो वहाँ पीडीएफ के फॉर्म में वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें अगर आर एनवायरनमेंट के, तो इसमें फिजिकल रिसोर्सेस है ये 14 चैप्टर होगा आपका, और बायोलॉजिकल केमिकल ये 14 चैप्टर के अंदर, और 15 चैप्टर आपका फूड प्रोडक्शन है जो पहले भी था, वो एज इट इज है, बस एक दो टॉपिक हटाए गए हैं। प्रैक्टिकल की बात करें तो टोटल 15 प्रैक्टिकल है आपके सिलेबस में जो आपके स्क्रीन पर है। ये सारे प्रैक्टिकल आप एक एक करके पढ़ सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो लिंक दिया है उससे पीडीएफ के फॉर्म में डाउनलोड करके आप न्यू सिलेबस जो आया है 15 आपके टोटल प्रैक्टिकल है, इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हो। इसके अलावा 10th की बात करें, 9th का खत्म हो गया, 10th की बात करें तो हम बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री आपका 25 मार्क्स का होगा। उसके अलावा बायो जो होगा वो 23 मार्क्स का होगा। फिजिक्स जो होगा आपको 12 मार्क्स का होगा, और फिजिक्स के अंदर हम इसको भी इंक्लूड कर लें इफेक्ट ऑफ करंट 13 मार्क्स का, तो टोटल 25 ही हो गए। और नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो 7 मार्क्स का, टोटल 80 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल बोर्ड एग्जाम होगा, 20 मार्क्स का आपका इंटरनल होगा जो पहले भी यही था 2019 में। तो फर्स्ट चैप्टर की बात करें तो केमिकल रिएक्शन था, सेकंड चैप्टर है आपका एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, थर्ड चैप्टर आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, फोर्थ चैप्टर आपका कार्बन कंपाउंड सेम है जैसे पहले था, फिफ्थ चैप्टर बात करें तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, फाइव चैप्टर आपके केमिस्ट्री के हैं। उसके अलावा बात करें बायो की तो लाइफ प्रोसेस आपका 6 चैप्टर है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपका 7 चैप्टर है, रिप्रोडक्शन आपका 8 चैप्टर है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन आपका 9 चैप्टर है। उसके बाद 10 चैप्टर की बात करें तो 10 चैप्टर आपका नेचुरल फिलोमिना है जिसके अंदर आपको जो रिफ्लेक्शन वगैरह है वो सब इसके अंदर कवर्ड होते हैं, और ह्यूमन आई वगैरह है सब वो 10 और 11 चैप्टर में आता है। उसके बाद 12 चैप्टर में बात करें तो 12 चैप्टर में आप देखोगे करंट के बारे में, 13 चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, 14 चैप्टर की बात करें तो नेचुरल रिसोर्सेज है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, 15 चैप्टर आपका आर एनवायरनमेंट, और 16 चैप्टर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो चैप्टर एज इट इज सारे ही हैं, बस मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि इसमें एक दो टॉपिक को हटा दिया गया है। जब आप इसमें से आप टॉपिक पढ़ लें मिला लें पिछले साल से, या आपके पास अगर न्यू बुक है तो उसमें आपको सभी टॉपिक कवर्ड हैं। न्यू जो सिलेबस है आप एनसीईआरटी की वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद प्रैक्टिकल की बात करें तो ये प्रैक्टिकल है, सभी प्रैक्टिकल के नाम दिया हुआ है, प्रैक्टिकल सेम है जो पिछले साल था, प्रैक्टिकल में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 15 प्रैक्टिकल थे, इस बार भी 15 प्रैक्टिकल है।
क्वेश्चन पेपर की बात करें 9th और 10th का, तो क्वेश्चन पेपर में देखिए बेसिकली जो पार्ट है इसमें जो बढ़ाया गया है वो मैं आपको दूं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा बढ़ाया दिया गया है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा वेटेज दी गई है, 1 मार्क्स के 20 क्वेश्चन होंगे आपके, 1 मार्क्स वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे वो 20 क्वेश्चन होंगे। 3 मार्क्स की बात करें, 3 मार्क्स के आपके 10 क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स वाले 10 क्वेश्चन होंगे जो बोर्ड का आपका पेपर होगा। उसके अलावा 5 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करें तो 5 मार्क्स के 6 क्वेश्चन होंगे। तो अगर बेसिकली देखा जाए तो 3 मार्क्स और 6 मार्क्स तो लगभग सेम ही है, जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए, 2 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, 1 मार्क्स के लिए आएंगे, 3 मार्क्स के लिए आएंगे और 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन होंगे। इसमें आपका जो पिछले साल पैटर्न था वही रहेगा कि 2 बार आपके पीरियोडिक असेसमेंट होंगे, 5 मार्क्स और 5 मार्क्स के टोटल 10 मार्क्स हो गए। एक आपका प्रैक्टिकल वर्क होगा, जो प्रैक्टिकल की फाइल दी होगी वो प्रैक्टिकल की फाइल आपको बनानी पड़ेगी, वो 5 मार्क्स का होगा। इसके अलावा पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट वगैरह होता है वो 5 मार्क्स का होगा। टोटल इंटरनल जो होगा वो आपका 20 मार्क्स का होगा और एक्सटर्नल जो आपका होगा वो 20 मार्क्स का 80 मार्क्स का होगा। तो टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा। तो पैटर्न लगभग सेम है, बदलाव क्वेश्चन पेपर के अंदर सबसे ज्यादा किए गए हैं, 1 मार्क्स की वेटेज को बढ़ा दिया गया है बहुत ज्यादा और 2 मार्क्स के क्वेश्चन को हटा दिया गया है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 4 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं है और 5 मार्क्स से क्वेश्चन होंगे। तो ये थे 9th और 10th के सिलेबस। आप चाहो तो इस पूरे सिलेबस को अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे डाउनलोड भी कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप वहां से आगे से डाउनलोड भी कर सकते हैं। आई होप आपको सारी जानकारी सही समय पे देता हूँ, कोशिश करने की कोशिश करता हूँ कि आपको सही जानकारी मिल पाए। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।